भले ही सरकार ने डोईवाला में एरो सिटी व इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने से साफ मना कर दिया हो, लेकिन जनता सरकार के इस दावे को झूठा बता रही है। एरो सिटी व इंटीग्रेटेड टाउनशिप निर्माण के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सड़क पर ट्रैक्टर के माध्यम से तिरंगा रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसान अब अपने अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे। एक और जहां उन्होंने ट्रैक्टर के माध्यम से तिरंगा रैली निकालकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने सरकार को चेताने का काम भी किया। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि सरकार डोईवाला के किसानों की जमीन लेना चाहती है, किसान सरकार के मंसूबों को पूरी तरह नाकाम करेंगे। किसान नेता ताजेंद्र सिंह ने कहा कि इस ट्रैक्टर रैली में सभी किसान मौजूद हैं, हमें सरकार की बात पर भरोसा नहीं है। किसान नेता सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि डोईवाला में बनने वाली एरो सिटी व इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विरोध में हमने ट्रैक्टर रैली निकाली, सरकार हमें बार बार गुमराह कर रही है, लेकिन किसान इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। दिन रहेगी कि ट्रैक्टर रैली निकली, आप खुद ही देख रहे हैं, इसका बयान आप खुद अपने आप ही कर सकते हैं कि ट्रैक्टर रैली में लोग कैसे आ रहे हैं। और इस ट्रैक्टर रैली के लिए हमने बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया, आपसे बताना चाहते हैं, मात्र मैसेज किया था और इतने लोग इकट्ठे हो गए। अगर आज बारिश ना होती तो ट्रैक्टरों की शायद गिनती ख़त्म ही ना होती। जब जी आप देख रहे हैं डोईवाला इस कोने पे आ गए हैं और ट्रैक्टर लच्छी मिस्र वाले में अब भी ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। लोगों का क्या जोश है, अगर सरकार अब भी अपनी जो हर धर्मों से नहीं पीछे हटेगी तो इससे बड़ा आंदोलन चलेगा जिसकी शायद सरकार को अंदेशा भी नहीं होगा। जो डोईवाला तहसील अंतर्गत सरकार ने एरो सिटी, टाउन सिटी अनेकों नाम दे करके जो डोईवाला की उपजाऊ भूमि को कब्जाने का कार्य सरकार करने जा रही है, उसके विरोध में आप देख रहे हैं कि कैसे किसान इस बारिश में निकल कर रहा है और सरकारें बार बार गुमराह कर रही हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके मीटिंगें करती हैं। कल ही माननीय मंत्री जी ने एक प्रेस जारी की कि इस तरह का कुछ नहीं है। वो अपने कार्यकर्ताओं को रात और दिन ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि आप क्षेत्र में जा करके भ्रम पर इस तरह का फैलाएं कि कुछ नहीं है, लेकिन किसान जो आंदोलन करता है खेतों में, और आज किसान ने दिखा दिया कि माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस तरह के गलत ट्यूशन पढ़ाए का कोई असर क्षेत्र के किसान पर नहीं है। आज बारिश में किसान कैसे निकल कर, और सभी की अपनी पीड़ा है, सभी लोग जो है अपने अपने मन से, जो है अपने विवेक से सड़कों पर उतरे हैं। और जो आज ये ट्रैक्टर मार्च है, ये सभी किसान, सभी लोग किसान हैं और मजदूर हैं, इसमें जो भी लोग हैं अपने लिए आए हैं, किसी ने किसी को नहीं बुलाया। इसमें जो है हम लोगों का सिर्फ इतना प्रयास है कि हम लोग जो है, हमने थोड़ा सा ये है जो इंटीग्रेटेड सिटी का जो एक मैसेज आया था उसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया, पर इसमें जो है आज सभी लोग जो है अपने मन से जो है सड़कों पर उतरे हैं। आज 15 अगस्त के पावन पर्व से पहले एक तिरंगा यात्रा निकालने का संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया था, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में भी लोगों ने अपने आज़ादी के सपनों को लेकर लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी थी और साहत्य दी थी, और आज भी हमारे सामने कई सारी समस्याएं इस तरह से खड़ी हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड सिटी के नाम पे हो, चाहे वो तानाशाही के नाम पे हो, चाहे वो धार्मिक उन्माद के नाम पे हो। इन सबको एक लक्ष्य में रखते हुए सब लोगों ने, सभी कौम के, सभी धर्मों के, सभी जाति के समूह के छात्रों, नौजवान, महिलाओं ने एकजुट होकर आज ये तिरंगा यात्रा निकाली है। मैं आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमने स्वतंत्रता आंदोलन को भी मनाया है और सरकार तक अपनी आवाज़ बुलंद करी है कि सरकार हमारी बात को समझे और जो भी जन विरोधी फैसले सरकार ले रही है उसको वापस ले। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।